नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं निकिता। गुरदासपुर के ऐतिहासिक कस्बा श्री हरगोबिंदपुर साहिब में बस स्टैंड की सुविधा ना होने के कारण हल्के के लोग और आने जाने वाले यात्री हो रहे हैं परेशान। श्री हरगोबिंदपुर साहिब में कोई बस स्टैंड नहीं है। बसें लोगों की दुकानें के आगे रुक रुक कर यात्रियों का इंतजार करती हैं, जिससे शहर में कई कई घंटे जाम लगा रहता है। लोगों की पंजाब सरकार से मांग है कि इस ऐतिहासिक कस्बे में बस स्टैंड जल्द ही बनाया जाए, क्योंकि यह गुरदासपुर विधानसभा हल्का भी सबसे पुराना है। इसमें सुविधा कोई भी नहीं है। श्री हरगोबिंदपुर बहुत पुराना शहर है। गुरु हरगोबिंद साहब की चंद छो प्राप्त धरती है। इतने किसी चीज़ की कोई सहूलत नहीं हैगी। 40 साल तो या 45 साल तो तकरीबन अकाली राज कर चुके हैं। कोई इतने बस अड्डा नहीं, कोई किसी किसी सहूलत नहीं। असी अपने हल्के MLA साहब को यह मंग करते हैं कि श्री हरगोबिंदपुर का बस अड्डा छेती तो छेती बनाया जाए। श्री हरगोबिंदपुर गुरु हरगोबिंद साहब के नाँ पर वसाया गया। इतने श्री अमृतपुर च उस समय तकरीबन 20,000 तो वध इतों की आबादी सी, चंगे शाहूकार शहर सीगा। तो पत्थर जातों के लोग इतने वसते ही गए। हर बंदा अपने आप काम कार बनपुण सीगा। बिजनेस खत्म होने तो बाद जिन्हें शाहूकार से श्री हरगोबिंदपुर तो चल गए। इस करके तरसयोग हालत मैं पंजाब सरकार को कैप्टन अमरिंदर सिंह को अपने हल्के MLA साहब नरिंदर सिंह लाडी को पुरजोर अपील करना हाँ कि श्री हरगोबिंदपुर बस अड्डे को जल्दी बनाया जाए, क्योंकि ना इतने पानी पीने का प्रबंध है, ना बाथरूम जाने का प्रबंध है। जी इतने बस स्टैंड की बहुत समस्या आ रही है। तो पिछले लंबे समय तो अकाली दल का राज रहा इतने पूरा लंबा जी। किसी ने भी इस पंथक एरिए अपने अज तक बस स्टैंड नहीं, हस्पताल नहीं, कोई सुविधा नहीं इतनी हैगी। पूरा जोर ला लिया इतने अकाली दल रहे, बाट साहब रहे, इन्ना चिर रहे, धुग्गा रहा इतने बहुत, मतलब रहा कोई अज तक कोई सुविधा नहीं इतने मिली। बहुत परेशान होते पे आ भैन साढ़िया सारे भूंजे बहदियाँ इतने आ गए। बार बार कभी किसी अंदर बिठाई दिया, कि बहार बिठाई दिया वा। पूरा मतलब इतने कोई सरकार का यही मांग करते हैं अं कि जल्दी तो जल्दी बस स्टैंड बनना चाहिए वा, नहीं तो अं वे तो व्डा इतने संघर्ष करा, इतने धरने लावे बह के जे साडा जल्दी जल्दी साढ़े ना काम पूरी हुई। ऐतिहासिक कस्बे श्री हरगोबिंदपुर साहिब के रहने वाले लोगों ने बताया कि यह बहुत ही ऐतिहासिक कस्बा है। इसको सिखे के 6वें गुरु श्री हरगोबिंद साहिब जी ने बसाया था और उस समय यहाँ पर 72 जाति के लोगों के इस शहर में लाकर इस शहर को बसाया और उस समय का इस जिले का बड़ा शहर कहलाता था। इसी शहर में प्रसिद्ध चित्रकार शोभा सिंह का भी जन्म हुआ था, पर समय समय की सरकारों ने इसकी कोई सूध नहीं ली और अच्छे अच्छे नामी लोगों यहाँ से हिजरत करते चले गए। लेकिन जहाँ पर ना तो कोई बस स्टैंड और ना ही जहाँ पर कोई सरकारी अस्पताल, जहाँ पर बसें रुकती हैं वहाँ पर गंदगी फैलाई होती है, जिसके ऊपर किसी का कोई ध्यान नहीं है। लोगों ने बताया कि बसें लोगों की दुकानों के आगे रुक कर यात्रियों का इंतजार करती हैं, जिससे कई कई घंटे शहर में जाम लगा रहता है। लोगों की पंजाब सरकार से मांग है जहां पर जल्द बस स्टैंड बनाया जाए। प्राइम न्यूज 24 के लिए गुरदासपुर जितेंद्र कुंडल की रिपोर्ट।